मेरे चंद्र में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है, कैसे हैं? आज 3 मार्च जापान में हिनामत्सुरी यानी लड़कियों का त्योहार है। इसको डोल्स फेस्टिवल भी कहते हैं। क्यों डोल्स? क्योंकि ये देखिए, ऐसे डोल से सजाते हैं, ऐसे करके प्रार्थना करते हैं लड़कियां यानी बेटियां बिना कोई बीमारी स्वस्थ होकर बड़ी हो जाएं। तो आज मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी जापानी लोग कैसे डोल्स फेस्टिवल मनाते हैं। ठीक है, तो शुरू करें। हिनामत्सुरी यानी लड़कियों के त्योहार में सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है डोल्स को सजाना। तो हिनामत्सुरी यानी 3 मार्च आने से पहले माता पिताजी डोल्स को ऐसे ही रख कर सजाते हैं। वैसे ये लड़कियों का त्योहार है, इसलिए जब परिवार में बेटी हुई तो ये डोल्स खरीदते हैं। अगर केवल बेटा है, बेटी नहीं हुई तो ये खरीदते नहीं हैं। मेरे परिवार में मैं और मेरी बड़ी बहन, दो लड़कियां बेटियां। तो जब मेरी बड़ी बहन पैदा हुई थी तब मेरी नाना जी ने ये खरीदी है। तब से हर साल ऐसे ही हिना निंग्यो सजाते हैं। और इस दिन इसके बगर में बेटियां बैठा कर फोटो खींचते हैं। हिनामत्सुरी का गाना भी होता है, ऐसा गाना भी गाते हैं। अब बताऊंगी इस डोल्स और सजावट में क्या क्या मतलब होता है। तो ये तो रोशनी है, ये है ताचीबाना नामक पेड़। हाँ, तो इसका मतलब ये बुरी चीजों को हराते हैं। मुझे लगता है ये भारत में नजर होता है ना, ऐसा होता है। तो हाँ, बुरी चीजों को हराने के लिए ये रखते हैं। ये तो राइस केक है, इसको हिशी मोची कहते हैं। ये खुशकिस्मत भी माना जाता है और फिर बुराई को हराना ऐसा भी मतलब है। रंग में भी मतलब है, ये लाल है ना, ये बुराई हराना। सफेद का मतलब लंबे समय तक लंबी जिंदगी जिए और ज्यादा बच्चा भविष्य में पैदा कर सके ऐसा। और ग्रीन भी बुराई को हराना ऐसा मतलब है। तो ये बाद में मैं खा के दिखाऊंगी, जापानीज राइस केक है। अब डोल है, तो शुरू में इस त्योहार का मतलब ये था कि ऐसे डोल बनाएंगे और इस डोल में कोई भी बुरी चीजें आ जाए ना कि असली बेटी। तो असली बेटी को प्रोटेक्ट रक्षा करने के लिए ऐसे डोल बनाते थे और इस डोल पे कोई भी बुरी चीजें आ जाए। लेकिन समय के साथ ये डोल्स को बहुत ही अच्छे से सुंदर सजाने लगे। तो अब ये डोल है ना, ये महारानी, जापानी महारानी सम्राट की पत्नी जैसी सजाती है। तो ये महारानी है, ठीक है। और ये कपड़े किमोनो बहुत सुंदर है। ये जूनी ही तो है, 12 layers किमोनो पहनी हुई है उन्होंने। तो बहुत सुंदर महारानी की किमोनो पहनती है। और ये तो पंखा है, ऐसे ऐसे बचपन में ऐसे ऐसे खेलती थी, ऐसे ऐसे करके ना। तो अब आ गया, ये सम्राट है। हाँ, सम्राट में मुझे लगता है ये जो ये है ना, शके ये तलवार है ना, बचपन में मैं बहुत ही खेलती थी इससे। ये बहुत सुंदर है ना। हाँ, और ये चेरी ब्लॉसम ट्री मार्च में तो खिलते हैं ना बहुत ज्यादा। और ये हिनारड़ी नामक स्नैक है, तो ये भी मैं अभी खा के दिखाती हूँ, ठीक है। ये हिनारड़ी चावल से बनता है, थोड़ा सा हल्के से थोड़ा मिठास होता है। ये सोया सॉस वाला है और सफेद, थोड़ा मीठा है। सोया सॉस वाला तो मीठा नहीं है ना। और ग्रीन भी मीठा होता है। ऐसा
ऐसे खा कर ना खुशकिस्मत मनाते हैं। झूठे झूठ, मैंने अभी झूठ बोला है। तुमने विश्वास किया क्या ना? हाँ, जो भी मैं बोलती हूँ ना हो सकता है झूठ है। ये तो शायद बदतमीज माना जाता है, लेकिन लोग करते हैं ना। ये बहुत अच्छा है, अपने को रोक नहीं पा रही हूँ। ये मोची है, मोची को मैं खोलूंगी, लेकिन ये तो ये तीनों एक साथ ऐसे स्टक होता है तो खाना थोड़ा मुश्किल है, सेपरेट नहीं है। गर्म हो गया राइस केक ना, ऐसे गर्म करेंगे तो थोड़ा सा फूलता है, फूलता है रोटी जैसी। तो इतना क्यों अंदर तो सॉफ्ट है, बाहर क्रिस्पी है, लेकिन इसमें कोई स्वाद नहीं है, नमक नहीं है, तो लगता है केवल चावल खा रही हूँ। ऐसे लगता है ये इतना चूवी स्टिकी नहीं है। जापान में राइस केक तो बहुत ही प्रचलित है, सब लोग खाते हैं, लेकिन बात ये है ये राइस केक की वजह से बूढ़े लोग सच में मर जाते हैं, क्योंकि ये जैसे कि गले में ऐसे अटक जाता है ना और स्टक हो जाए तो गुजर जाते हैं, इसलिए ये इतना ज्यादा चूई स्टिकी नहीं होगा। बस आपको थोड़ा आइडिया आया होगा जापानी लड़कियों का त्योहार कैसा होता है, कैसे मनाते हैं। लड़कों का त्योहार भी है वो 5 तारीख में, उस समय ना मछली, मतलब असली मछली नहीं है, नकली मछली है, लेकिन मछली को ना बाहर में सजाते हैं, तो उसके बारे में शायद 2 महीने बाद मैं आप लोगों को बताऊंगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जरूर। मेरे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।